फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत करते हैं छात्रगण गुरुकुल की इस ऑनलाइन क्लास में और आपको अगले पड़ाव पर लेकर के चलते हैं। कल की क्लास में आपको मालूम होगा छात्रगण कि हम सबों ने सिलोगिज्म के कई पड़ाव को क्रॉस किया था। एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट और साथ ही साथ इधर पेयर की पहचान हमने जबरदस्त रूप से सीखा था। आज की क्लास में आपको स्वागत करते हैं छात्रगण और सीधे सीधे बैंकिंग के बच्चों के लिए, सभी बच्चे पढ़ाई कर ले, हम ये वीडियो सभी ग्रुप में डाल दे रहे हैं, एसएससी में, रेलवे में, बैंकिंग में, सभी में डाल रहे हैं, लेकिन मुख्यतः वो बच्चे इसमें फोकस करेंगे जो आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। बैंकिंग में सिलॉक्स ये क्वेश्चन पांच पांच पूछा जाता है, एक दो नहीं, पांच क्वेश्चन आईबीपीएस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे छात्रगण, इसलिए बहुत गौर से देखने की व्यवस्था है। कहानी वही है, 150 का रूल है और 150 के रूल से ही हम लोग पॉसिबिलिटीज का केस आज क्लियर करने जा रहे हैं। इस बात का विशेष रूप से बच्चे ध्यान देंगे कि जो भी कंक्लूजन्स दिया रहे, कंक्लूजन में ब्रैकेट खोल के लिखा रहेगा इफ पॉसिबल या पॉसिबिलिटीज का केस, वो लिखा हुआ रहेगा, आपको उसमें कोई भी लोड लेने का जरूरत नहीं है। तो विशेष रूप से फोकस करेंगे पॉसिबिलिटीज का केस का। दूसरी पार्ट पढ़ाने से पहले आपको हम कुछ बातें बताना चाहते हैं, जो ध्यान से सुनिए। जो वैलिड कंक्लूजन है अर्थात 150 का जो रूल निकलता है उससे, मान लीजिए वैलिड कंक्लूजन आपका ये निकल रहा है, जैसे मर्ज करते थे सारा कुछ करने के बाद जो कंक्लूजन आपका निकल रहा है, पॉजिटिव 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 होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, सारा कुछ निकाल लीजिए, ए टू जेड चीज कर लीजिए, देखिए क्या वो ऑप्शन में है। यदि ऑप्शन में है तब ठीक है, लेकिन वैलिड कंक्लूजन अगर पॉसिबिलिटीज के साथ दिया हुआ है तो वो कभी भी पॉसिबिलिटीज का केस नहीं होगा। मान लिया आपका स्पष्ट निकल गया कि फलाना 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 निकल गया एकदम स्पष्ट कि सम कैट्स और डॉग, ये निकल चुका है और इसके साथ दिखा रहा है पॉसिबिलिटीज का केस, तो वो पॉसिबिलिटी का केस कभी नहीं बनता है। बस इसके बाद हम कई सारे इसमें गोल्डन रूल पढ़ाएंगे, एकदम ध्यान से सुनिए, देखिएगा, समझिएगा और तब जाकर के इस टॉपिक पर आपको, तब जाकर के आप इस टॉपिक पर बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमारे पास शुरू से ही छात्रगण चार स्टेटमेंट है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और ये चार स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है। All cats are dogs, ये इंग्लिश की क्लास होगी, इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे पॉसिबिलिटी के केस, क्योंकि IBPS के बच्चे मैक्सिमम इंग्लिश में ही तैयारी करते हैं। सम कैट्स आर डॉग्स, नो कैट्स आर डॉग, सम कैट्स आर नॉट डॉग, ठीक है ना। आपको मालूम है कि इसको देना है 100, इसको देना है 50, सम को 50-50 और नो को 100-100 और सम को इसको देना है हमको कितना 50 और कितना 100, ठीक है ना। ये तो आपको याद होगा पूरा मार्क्स, हम पहले प्रीवियस क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन करवाए हैं, इसलिए आपको चिंता की बात नहीं है। अब देखिए देखिए हमने चैप्टर का हेडिंग भी बनाया है सिलॉग का पॉसिबिलिटी केस, टाइप नंबर हो जाएगा आपका 4, टाइप 5 हो जाएगा, टाइप नंबर 5, पहला दूसरा तीसरा चौथा, हाँ टाइप नंबर 5 पॉसिबिलिटी का केस, टाइप 4 या 5 होगा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला स्टेटमेंट कहता है, एक एक स्टेटमेंट को पहले समझा देंगे फिर क्वेश्चन पे करवा देंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आज एकदम मास्टर बना देंगे आज पॉसिबिलिटी केस में छात्रगण आपको। ऑल ए आर बी, ठीक है ना, ये मान लिया एक स्टेटमेंट है, इससे देखिए कौन कौन पॉसिबिलिटीज निकलेगा, पहले सिंगल स्टेटमेंट से फिर डबल स्टेटमेंट से सिखाएंगे। ऑल ए आर बी, यदि क्वेश्चन में ऑल वाला रिलेशन है तो अगर ये रहे ए टू बी, यानी कि डायरेक्ट दे दे ए से बी, ये कभी भी पॉसिबिलिटीज नहीं होगा। एकदम याद रख लीजिएगा कि सीधा सीधा कभी भी पॉसिबिलिटीज नहीं होता है। अगर इस एकदम इसको भी याद रखना पड़ेगा आपको, पॉसिबिलिटी के केस में ये सब चीज आपको एकदम रटना पड़ेगा। यदि सीधा सीधा दे दे ए से बी दे दे, कभी भी पॉसिबिलिटीज का केस नहीं होगा। मतलब अगर निकाल दे हमको, नीचे कहे ऑल ए आर बी, यही स्टेटमेंट को उतार दे, तो ये तो सही बोल ही रहा है, ऑल ए आर बी ये तो सही बोल रहा है। तो मैंने शुरू में ही कहा क्लास स्टार्ट करने से पहले कि वैलिड कंक्लूजन कभी भी पॉसिबिलिटीज नहीं होता है, लेकिन ठीक वही कर दे कि इसका रिवर्स कर दे, बी टू ए कर दे, बना दे कि ऑल बी आर ए, तब ये पॉसिबिलिटीज हो जाएगा। समझ में आ गया, सीधा सीधा दे पॉसिबिलिटीज नहीं होगा, रिवर्स दे देगा पॉसिबिलिटीज होगा, एकदम याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर इसी स्टेटमेंट से निकलता है सम बी नॉट बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी, यस देखिए इज पॉसिबिलिटी सब में दे रहा है ना, इज पॉसिबिलिटी। यदि ऑल वाले स्टेटमेंट से सम नॉट का रिलेशन दिया हुआ है, लेकिन सम नॉट का रिवर्स, देख लीजिए सम नॉट में ये रिवर्स रिलेशन है, पहले बी है बाद में ए है, ए से बी नहीं है, तो सम नॉट में अगर बी से ए चल रहा है, रिवर्स ऑर्डर चल रहा है, तो वो भी पॉसिबिलिटीज का केस बनता है।
अर्थात आपने इतने बके गए मेरे चीज से, दो ही बात सीखे कि यदि क्वेश्चन मेरा ऑल वाला से है तो देखिए निष्कर्ष हम सारा कुछ बोर्ड में लिख दिए हैं, तो निष्कर्ष क्या क्या निकलेगा, ऑल का रिवर्स निकलेगा, जो भी क्वेश्चन है इसको रिवर्स कर दीजिए, ऑल का रिवर्स पॉसिबिलिटीज में ऑल का रिवर्स निकलेगा और सम नॉट का रिवर्स निकलेगा, ऑल का रिवर्स और किसका, सम नॉट का रिवर्स। तो एकदम से याद कर लीजिए ऑल ए आर बी, तो एकदम सिंपल आपको याद कर लेना है कि ऑल ए आर बी यानी कि ऑल यानी कि सभी वाला अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो सभी वाला से मेरा सभी का रिवर्स निकलता है, पॉसिबिलिटीज में सभी का रिवर्स निकलेगा और सम नॉट का रिवर्स निकलता है। रट्टा लगाइए, रटने की बातें मैं बता रहा हूं, एकदम सीधे रट जाइए इसको छात्रगण कि पॉसिबिलिटीज केस में यदि सभी वाला कथन रहेगा तो सभी वाले से सभी का रिवर्स निकलता है पॉसिबिलिटीज केस में और सम नॉट का रिवर्स निकलता है। उम्मीद करते हैं कि ऑल का केस क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरे कथन को उठा करके लेके आते हैं और दूसरे कथन की बातें आपके साथ में करते हैं। अब दूसरा कथन में सम वाला उठाएंगे, ये कथन उठाएंगे सम कैट्स और डॉग्स वाला में, उसमें क्या कहानी क्या था वो समझा देते हैं। तो चलते चलते फिर आपको बताते हैं ऑल वाला में क्या क्या चीज पॉसिबिलिटीज केस निकलता है, ऑल का रिवर्स और सम नॉट का रिवर्स, इसके अलावा कोई निकलता ही नहीं है। बस दो चीज याद कर लीजिए, मास्टर बन जाइए। आइए आगे की ओर लेके चलते हैं छात्रगण, दूसरे स्टेटमेंट पर आपको लेकर के आ रहे हैं। और सेकेंड स्टेटमेंट है पॉसिबिलिटी केस में सम ए आर बी, पहला खत्म कर दिए, केवल याद रखिएगा कि इससे क्या निकलता है बस, और आपको कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट है सम ए आर बी। देखिए अब इसमें चार निष्कर्ष हम दे रहे हैं, इस स्टेटमेंट से चार निष्कर्ष दे रहे हैं, ऑल ए बींग बी इज पॉसिबिलिटी, सम ए नॉट बींग बी इज पॉसिबिलिटी, All B being A is possibility, some B not being A is possibility। आपको मैं अस्पष्टता ये कह दूं छात्रगण कि सम वाला से भी all और सम not ही निकला है। देखिए all वाला से भी सम और all वाला से भी all और सम not ही निकला था, लेकिन all के केस में all का रिवर्स और सम not का रिवर्स पॉसिबिलिटीज बनाता है, लेकिन सम के केस में ऑल और सम नॉट ही निकलेगा, लेकिन ऑल का सीधा भी निकलेगा, सम नॉट का सीधा भी निकलेगा और ऑल का रिवर्स भी निकलेगा और सम नॉट का रिवर्स भी निकलेगा। याद करना है कि किससे क्या निकलता है और बाकी आपको कुछ नहीं करना है। सम वाले केस में ऑल और सम नॉट का रट जाना है, ऑल और सम नॉट का ही रिजल्ट निकलता है, का ही रिजल्ट निकलता है मतलब ऑल वाला में भी दोनों का ही रिजल्ट निकलता था, परंतु ऑल का सीधा और सम नॉट का भी सीधा तथा ऑल का उल्टा यानी कि रिवर्स तथा सम नॉट का भी उल्टा यानी कि रिवर्स दोनों निकलता है। तो याद रखिएगा ऑल का जब स्टेटमेंट रहेगा तो ऑल वाले स्टेटमेंट से भी मेरा निकलता है ऑल और सम नॉट का रिवर्स ऑल वाला से, लेकिन इसमें दोनों निकलता है मतलब सीधा भी उल्टा भी, जैसे कह रहा है ए और बी, तो ऑल ए और बी पॉसिबिलिटीज का केस बनाएगा, All B आर A पॉसिबिलिटीज का केस बनाएगा, सम A आर नॉट B पॉसिबिलिटीज का केस बनाएगा, सम B आर नॉट A पॉसिबिलिटी का केस होगा। देखते हैं इसमें All A being B is possibility, बिल्कुल All का सीधा, All का सीधा हो गया, A से B चले हैं, A से B चले हैं, All का सीधा हो गया, सम A नॉट being B is possibility, सम नॉट का सीधा चले हैं, सम नॉट का सीधा चले हैं, ये भी बनेगा, All B being A is possibilities, अब यहां B से A चले हैं रिवर्स में, ऑल का रिवर्स बनता ही है, और सम B नॉट बींग A, फिर B से A चले हैं सम नॉट को लेकर के, अर्थात ये चारों को चारों पॉसिबिलिटीज का केस होगा छात्रगण। इसके अलावा अगर कोई भी इसमें कंक्लूजन में घुसाया गया है, जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट घुसा देता है कि नो A आर B इज ए पॉसिबिलिटीज, कभी नहीं निकलेगा। अगर घुसा देता है सम B आर A, कभी भी नहीं निकलेगा छात्रगण। तो हमेशा बस याद रखना है कि यदि स्टेटमेंट जो है वो सम का केस दिए हुए है तो सम के केस में ऑल का सीधा भी निकलता है और ऑल का रिवर्स भी निकलता है, सम नॉट का सीधा भी निकलता है और सम नॉट का रिवर्स भी निकलता है। केवल आपको एक ही बात इसमें ध्यान में रखना है कि दोनों स्थितियों में जब ऑल का केस पढ़ रहे थे, यदि यहां पर स्टेटमेंट ऑल था पहला वाला याद कर लीजिए, तो ऑल वाला केस में भी ऑल और सम नॉट का निकलता है, लेकिन उसमें केवल रिवर्स निकलता है, इसमें दोनों निकलता है। दो ही तो स्टेटमेंट उठाए हैं, एक ऑल का और एक सम नॉट का, दो ही तो हम बात कर रहे हैं छात्रगण, एक ऑल का और एक सम नॉट का। तो थोड़ा ध्यान लगा करके इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर जरा सा भी आपने इसमें माइंड सेट नहीं किया तो आप क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत कर देंगे।
तो एकदम से माइंडसेट बना करके रखिएगा कि फिर से हम रिवाइज कर देते हैं, यदि प्रश्न आपका सम पर है, क्वेश्चन सम पर दिया हुआ है, तो ऑल और सम नॉट का ही निकलेगा, लेकिन ऑल का सीधा भी निकलेगा और सम नॉट का सीधा भी निकलेगा, ऑल का उल्टा भी निकलेगा, रिवर्स भी निकलेगा और सम नॉट का रिवर्स भी निकलेगा। ये नोट्स बना लीजिए, सम वाले केस में ऑल और सम नॉट का ही रिजल्ट निकलता है, परंतु ऑल का सीधा भी निकलता है और सम नॉट का भी सीधा निकलता है, तथा ऑल का उल्टा यानी कि रिवर्स तथा सम नॉट का भी रिवर्स दोनों निकलता है। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आप चैप्टर को पढ़ रहे हैं, अगर आपको हंसी भी आ रहा होगा क्योंकि इस चैप्टर पे आपको थोड़ी देर में मास्टर बना रहे हैं, बस कुछ कुछ चीजें याद करने की चीजें जिसको याद कर लीजिएगा। आइए अगले कथन की ओर आपको लेकर के चलते हैं और तीसरे कथन पर लेते हैं कि सम के केस में, सम नॉट के केस में क्या होता है, एक तो नो वाला केस उठा लेंगे। आइए आगे की ओर लेके चलते हैं। छात्र ध्यान देंगे, पॉसिबिलिटी की केस में तीसरे स्टेटमेंट पर हम सब आपको लेकर के आए हैं, और तीसरा स्टेटमेंट है सम ए आर नॉट बी। ओके, नेगेटिव स्टेटमेंट है मालूम है। देखिए इसमें सबसे पहले जो पॉसिबिलिटी का केस निकलेगा वो सम वाला को निकाल दीजिए, सम वाली स्टेटमेंट क्या बनेगा, सम ए आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटीज, सम ए आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटीज। देखिए मैंने पहले ही कहा कि अगर हूबहू कंक्लूजन उतार देता है तो सम वाली जो भी स्टेटमेंट बनेगी इसमें, सम बी आर ए, वो सब आपका पॉसिबिलिटीज का केस बनेगा। नो वाली स्टेटमेंट अगर इसमें दिया हुआ, सम वाली स्टेटमेंट, नो वाली स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ होगा वो टोटल का टोटल इसमें पॉसिबिलिटीज का केस बनाएगा। तो सम वाली स्टेटमेंट पॉसिबिलिटीज का केस होगा, नो वाली स्टेटमेंट पॉसिबिलिटीज का केस होगा। ओके, तो सम वाला स्टेटमेंट पॉसिबिलिटी का केस बनाएगा इसमें, और नो वाली स्टेटमेंट पॉसिबिलिटी का केस बनाएगा, कब, जब क्वेश्चन सम नॉट से दिया हुआ रहे। उसके अलावा सभी स्टेटमेंट के रिवर्स इसमें पॉसिबिलिटी का केस बनाता है, जितना भी स्टेटमेंट है, चार स्टेटमेंट है ना, ऑल सम नो सम, अगर ये रिवर्स करके दिया हुआ है तो सभी का पॉसिबिलिटी केस बन जाएगा। लीजिए हम दिखा देते हैं, चलिए लिखिए पहला वाला में ये कौन कौन इससे निकलेगा। पहला में हम लेते हैं All B R, All B R, All B R, not A is a possibility. All B R, All B is not being A, is not being करके लिख लीजिए। All B R, R not being A is possibilities. एकदम निकल जाएगा क्योंकि सभी स्टेटमेंट के रिवर्स इसमें पॉसिबिलिटीज का केस बनाता है। तो ऑल बी आर नॉट बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटीज, या ए भी होगा ऑल बी आर ए इज बीइंग पॉसिबिलिटीज, वो भी निकलेगा, नॉट में दिया है तब भी निकलेगा, ए में दिया हुआ है तब भी निकलेगा। सेकेंड निकलेगा सम बी आर नॉट बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटीज, फिर इसका निकलेगा सम बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटीज, ये भी निकलेगा। थर्ड में नो वाला निकलेगा, नो बी आर ए, नो बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, एंड नंबर फोर एक और बच रहा है सम नॉट्स वाला, तो सम नॉट वाला तो दिया हुआ है, सम बी आर नॉट बींग ए इज अ पॉसिबिलिटीज। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर पॉसिबल, तो सिंपल एकदम इसमें दिमाग लगा देना है कि सम वाली स्टेटमेंट भी निकलेगी, नो वाली भी स्टेटमेंट निकलेगी, और सभी स्टेटमेंट का रिवर्स इसमें पॉसिबिलिटीज का केस बनाता है। सीधा सीधी नहीं, सभी स्टेटमेंट का रिवर्स इसमें पॉसिबिलिटीज का केस बनाता है। सीधा सीधी वाला में सिर्फ सम का और नो का, और सभी स्टेटमेंट के रिवर्स जो है वो पॉसिबिलिटी का केस क्रिएट करता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो तीसरे नंबर पर एकदम याद रखिएगा, सभी स्टेटमेंट के रिवर्स, जितना भी स्टेटमेंट है उसका रिवर्स इसमें पॉसिबिलिटीज का केस बनाएगा, ये बहुत अच्छी तरह से याद करके रखिएगा। अब एक लास्ट स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट आपके लिए लेके चलते हैं, नो ए इज बी, तब क्या होगा, है ना। तो अगले स्टेटमेंट की ओर आपको लेकर के चल रहे हैं। छात्रगण देखिए, आप ध्यान रखेंगे इन चीजों में, आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखना है कि पॉसिबिलिटीज केस के जो स्टेटमेंट वाइज जो आपको रूल्स पढ़ाए गए,
कि किस स्टेटमेंट में क्या लगता है, कौन सा स्टेटमेंट कैसे चलता है, किस स्टेटमेंट से क्या निकलता है, ये बहुत जरूरी होता है कि आप उसको आत्मसात करें। बिना इसमें याद किए हुए कोई उपाय नहीं कि किससे क्या निकलता है, ये चीज़ केवल माइंडसेट करके रखिएगा। फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे तो फिर आपको 150 के ही करवाएंगे। चौथा मेरे पास है नो नो ए इज बी, यही ना है नो ए इज बी, ठीक है ना। तब इस किसी में जहां आपका स्टेटमेंट नो से रहेगा, यानी कि चौथा नंबर स्टेटमेंट, नो पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट, नो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट, ये भी एकदम याद करके रखने का आपका चीज है कि जहां आपका पॉसिबिलिटीज का केस में नो वाला स्टेटमेंट रहेगा तो सीधे सीधे आपको छात्र के एकदम याद रखना है कि पॉसिबिलिटीज इसमें एग्जिस्ट नहीं होता है। तो छात्रगण, हमने अभी तक चार स्टेटमेंट के पॉसिबिलिटीज केस पढ़े। पहले केस में हमने पढ़ा ऑल का रिस्पेक्ट, हमने पढ़ा कि यदि स्टेटमेंट ऑल से दिया हुआ है तो इसका पॉसिबिलिटीज क्या क्या बनेगा, तो ऑल का रिवर्स बनता है और सम नॉट का रिवर्स बनता है। यदि स्टेटमेंट सम से दिया हुआ है तो ऑल का और सम नॉट का सीधा भी बनता है और रिवर्स भी बनता है। यदि नो का दिया हुआ है तो टोटल नो, अगर नो से स्टेटमेंट दिया हुआ है तो कोई भी पॉसिबिलिटीज केस नहीं बनेगा, और अगर सम नॉट का रिलेशन दिया हुआ है तो सम नॉट वाला में सम का और नॉट का तो निकलता ही है पॉसिबिलिटीज का केस, इसके अलावा टोटल स्टेटमेंट का रिवर्स भी पॉसिबिलिटीज का केस बनाता है। इतने छोटे से बातों को याद करके आप इस चैप्टर पे मास्टर बन सकते हैं छात्रगण। लेकिन बावजूद इसके आइए कुछ आपको गोल्डन रूल पढ़ा देते हैं, इसका गोल्डन रूल एकदम से याद करिएगा, है ना। आइए आगे की ओर एक लेकर के चलते हैं छात्रगण। पॉसिबिलिटीज केस के कुछ गोल्डन रूल्स लेकर के आए हैं, एकदम नोट्स बना लीजिएगा अच्छा से। पहला गोल्डन रूल मेरा कह रहा है कि इफ देयर इज नो रिलेशन इन स्टेटमेंट्स देन ऑल टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट। If there is no relation in a statement, मतलब जो कथन दिया गया है उसमें कोई भी वैलिड निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, तो अगर वो पॉसिबिलिटीज में दिए हुए हैं तो वो पॉसिबिलिटी का केस बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। If there is no relation in a statement, कथनों में दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, ना तो 50-50 आया है। स्टेटमेंट मर्ज कब करते हैं, जब 150 आ जाता है। अब हमारा क्या है, 50-50 आया है, 100 ही आया है, कोई रिलेशन नहीं निकल रहा है, तो वो अगर वो पॉसिबिलिटी का केस दिया हुआ है तो वो पॉसिबिलिटी का केस हो जाएगा। अभी एग्जांपल आएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। सेकंड, इफ कंक्लूजन इज रॉन्ग देन इट्स पॉसिबिलिटी विल बी राइट। अगर कंक्लूजन आपका रॉन्ग निकलता है, कंक्लूजन निकल ही नहीं रहा है, और अगर वो पॉसिबिलिटीज का केस दिया है तो वो निकल जाएगा। कितना मजेदार कहानी है, कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, दूर दूर तक कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, और अगर वो पॉसिबिलिटीज में दिया है तो कंक्लूजन निकल जाएगा। If there is some and no in a statement, यदि स्टेटमेंट में सम भी दिया हुआ है और नो वाला स्टेटमेंट है तो वहां पर हम लोग नॉर्मल रूल फॉलो करेंगे, नॉर्मल जैसे बनता है बना देंगे, और इफ पॉसिबल लिखा हुआ होगा उसको टिक लगा देंगे। तो तीन गोल्डन रूल्स हैं छात्रगण, इसको जिसे आपको एकदम से, जिसको गोल्डन ट्रिक्स भी आप कह सकते हैं। ये ट्रिक याद रखिएगा कि स्टेटमेंट से कोई रिलेशन ही निकल रहा है कंक्लूजन का, आप उत्तर ना दीजिए। इफ कंक्लूजन इज रॉन्ग, यदि कंक्लूजन रॉन्ग है तो उसका पॉसिबिलिटीज राइट होगा। If there is some and no in a statement, follow normal rule. अगर some और no है तो इसमें normal rule होता है, normal rule follow करना है। अब जैसे देखिए, ये है A, ये है B, ये है C और ये है क्या भी। अब देखिए A और D के बीच में कोई relation है, diagram से देखिए A और D के बीच में कोई relation है, नहीं relation है, और अगर ये A और D का possibilities दिया हुआ है तो 100% answer होगा। That is all. If conclusion is wrong, then its possibility will be right. If there is no relation in a statement, then all types of possibility exists. तो देखिए यहाँ A और D के बीच में कोई relation नहीं है, diagram देख लीजिए, Venn diagram, बावजूद A और D possibilities का case बनाएगा। संभावना तो कुछ भी हो सकता है ना, आप इसको ऐसे समझिए। मैं संभावना कह सकता हूँ कि नहीं, वास्तविक मेरी बात कीजिए, मैं आकाश में उड़ सकता हूँ, बताइए हवा में मैं बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ऐसी संभावना है कि कल होकर के मैं हवा में उड़ूं, क्यों नहीं। अभी दुनिया भर के, चलिए ग्रेविटी पे आपको ले सकते हैं, जहां पे जीरो ग्रेविटी है, जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं, वहां पर आदमी उड़ता है कि नहीं उड़ता है, जो अंतरिक्ष में जाता है। तो जो पॉसिबिलिटीज की केस होगी वो तो कुछ भी हो सकता है,
तो स्टेटमेंट से उसका दूर दूर तक कोई भी असर नहीं होता है छात्रगण, ये बहुत बड़ी पहलू है एंड 90% क्वेश्चंस यू विल सॉल्व अकॉर्डिंग टू यूजिंग दिस गोल्डन रूल्स माय डियर फ्रेंड्स। आइए अब आपको और भी कुछ इसमें बेसिक कंसेप्ट हैं थोड़ा सा और उसमें वो लिखा देते हैं सो दैट कि आपका पूरा का पूरा चैप्टर एकदम से हैंडी हो जाए और आप बहुत मजे से इसको कर सकें। आइए कुछ अलग कंसेप्ट आपको देने का प्रयास करते हैं। छात्रगण सिलोगिज्म के कुछ अलग कंसेप्ट भी आपको देना चाहेंगे। कभी कभी प्रश्नों में क्या होता है छात्रगण कि जो इसका बेस है ऑल सम सम नॉट और नो, यही नहीं इसका बेस है, ये चार एट होना होता है पूरे सिलोगिज्म में, इससे आपको कंक्लूजन स्टार्ट नहीं होता है। स्टेटमेंट स्टार्ट होगा इसी से या फिर स्टेटमेंट भी स्टार्ट नहीं होगा, आपको वैसी स्थिति में घबराना नहीं है। देखिए यदि क्वेश्चन में क्वेश्चन या कंक्लूजन एनी से एवरी से ईच से 100% से स्टार्ट हो रहा है तो वो सभी ऑल का ही केस बनाता है। ये सब बाबू आपको रखना पड़ेगा। ऑल में और क्या क्या चीज समाहित है, एनी एवरी ईच 100%, ओके। उसी प्रकार सम में क्या क्या चीज समाहित है, एटलीस्ट ऑलमोस्ट मैक्सिमम मिनिमम ऑफन ऑफ यू अ लॉट ऑफ मैनी और लेस देन 100%। जीरो से लेस देन 100% मतलब 99% भी अगर दिया रहेगा, देखिए 100% चूंकि ऑल का केस आता है तो वो सम का केस बनाएगा, ओके। सम नॉट का केस कौन कौन होता है, हार्डली रेयरली सेल्डम स्कार्सली, ये सभी का सभी सम नॉट का केस बनाते हैं, ठीक है ना। नो का केस कौन कौन बनाता है, नेवर नन और कैन, कैन का भी केस नो का होता है छात्रगण। तो यदि इन लेटरों इन वर्ड से क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो आपको थोड़ा सा माइंड में रखना होगा। मालिक क्वेश्चन दे देगा कि मैक्सिमम, तो बच्चा लोग समझ जाएगा कि अरे ये ऑल का केस है जबकि मैक्सिमम आपका सम का केस होता है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ये डिफरेंट मैंने हेडिंग भी बनाया है, डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ द सिलोगिज्म। तो ऑल के कौन कौन केस बनेंगे, 100% ईच एवरी एनी, सम में एटलीस्ट ऑलमोस्ट मैक्सिमम मिनिमम ऑफन ऑफ यू अलॉट ऑफ मैनी और जीरो लेस देन 100%। सम नॉट में हार्डली रेयरली सेल्डम स्कार्सली, नो में नेवर नन और कैन। तो ऑलमोस्ट ऑल सम सम नॉट और नो, ये डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ सिलोगिज्म है जिसको आपको बहुत अच्छी तरह से दिमाग में बैठा करके रखना चाहिए। उम्मीद करते हैं छात्रगण कि इतने कंसेप्ट के साथ आप सिलोग के पॉसिबिलिटीज केस बनाने के लिए चल पड़े हैं। आइए आईबीपीएस की तैयारी कर रहे बच्चों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और प्यारे बच्चों अब आपका जो 5 क्वेश्चन पूछेगा उसमें 2 पॉसिबिलिटीज वाला पूछता है, 3 तो जनरल रूल पे होता है, 150 से सेट कर दीजिएगा। आइए आपको आगे क्यों लेके चलते हैं और सीधे सीधे आज की क्लास में अब आपको एग्जाम्पल करके हम दिखाते हैं। तो आइए आगे क्यों लेके चलते हैं छात्रगण। बहुत उम्मीद के साथ संजय सर आप सबों को एकदम पॉसिबिलिटीज के केस पर ला रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब इसमें बहुत खरे उतरेंगे छात्रगण। मैंने बहुत मेहनत किया है इस टॉपिक पे छात्रगण आप सबों के लिए। आइए देखते हैं सीधे सीधे, ये स्टेटमेंट है छात्रगण, ऑल कार्स आर ट्रक्स ऑल ट्रक्स आर वैन। सबसे पहला काम बाबू आपको क्या करना है, जो 150 का जो जनरल रूल हम पढ़ाए हैं उसके आधार पर सेव कर देना है। ऑल वाला को आपको मालूम है हम लोग 100 देते हैं और 50 देते हैं, 100 देते हैं और 50 देते हैं, जैसे आप करते थे। ट्रक और ट्रक मिल गया 150, मतलब इस सेंटेंस में कहीं से कहीं हम लोग जा सकते हैं। तो पहला मेरा वैलिड कंक्लूजन क्या क्या निकलेगा, ऑल कार्स आर वैन। देखिए कार्स और वैन दिया हुआ है, मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर कंक्लूजन आपका वैलिड है, अगर वैलिड कंक्लूजन है तो कभी भी वो पॉसिबिलिटीज का केस नहीं हो सकता है। तो पहला एकदम सीधे क्रॉस कर दीजिए, वैलिड कंक्लूजन निकला हम लोग को पीछे नॉर्मल रूल से आप पढ़ लीजिए, ऑल कार्स आर वैन हम निकाल चुके हैं, यहां पे कार है यहां पर वैन है, वैलिड कंक्लूजन है, पॉसिबिलिटीज का केस नहीं होगा। आगे चलते हैं, फिर कह रहा है सम कार्स बीइंग वैन इज पॉसिबिलिटीज। आप देख लेते हैं सम कार्स निकलेगा कि नहीं, कार कहाँ है, ऊपर है, वैन नीचे है, ओके। कार कितना का है, 100 रुपये का, यहाँ कार 50 का है, ये भी 50 का है, ये भी वैलिड कंक्लूजन है, अर्थात ये भी निकलेगा। सम कार्स बीइंग वैन इज ए पॉसिबिलिटीज, ये भी तो निकल रहा है, वैलिड कंक्लूजन है। मैंने कई बार कहा है कि वैलिड कंक्लूजन कभी भी पॉसिबिलिटीज का केस नहीं होता है। खत्म हो गया, आगे सम कार्स नॉट बीइंग वैन इस पॉसिबिलिटीज। आप देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी नेगेटिव निकलता है, नहीं निकलता है, निकलता है कभी पॉजिटिव से नेगेटिव, नहीं निकलता है। तो मैंने पहले ही कहा कि जब कंक्लूजन ना निकले
तो वो निश्चित रूप से पॉसिबिलिटीज का केस बनाता है। ये आपको मैंने पहले ही कहा, ये देख लीजिए, दो पॉजिटिव से एक नेगेटिव निकाला, नेगेटिव भला निकलता है लेकिन अगर वो पॉसिबिलिटीज का केस है तो 100% होगा। तो सम कार्स नॉट बीइंग वैन इज पॉसिबिलिटीज, बताइए ये निकलेगा, सम कार्स नॉट बीइंग वैन इज पॉसिबिलिटीज, हाँ या नहीं? बोलिए जल्दी सर, सम कार्स आर नॉट बीइंग वैन, बोलिएगा सर बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि आप पढ़ा चुके हैं ऑल के केस में केवल ऑल का रिवर्स निकलता है और सम नॉट का रिवर्स निकलता है। ऑल का केस याद कर लीजिए, ऑल वाला में हम क्या पढ़ाए हैं, ऑल वाला में आपको पढ़ाया गया है कि ऑल का रिवर्स पॉसिबिलिटी का केस बनाएगा और सम नॉट का रिवर्स वाला पॉसिबिलिटीज का केस बनाएगा। सम नॉट का ये रिवर्स नहीं है, कार के साथ वैन दे रहा है ये तो सीधा सीधी है, इसलिए ये भी पॉसिबिलिटीज नहीं होगा। नेक्स्ट में कार और वैन देख लीजिए, कार और वैन ये भी सीधा सीधी दिखा रहा है इसलिए ये भी नहीं होगा, और ये तो ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि नो वाला तो पॉसिबिलिटीज बनेगा ही नहीं, हमेशा ऑल वाला केस में ऑल का रिवर्स पॉसिबिलिटीज बनता है और सम नॉट का रिवर्स बनता है। आगे देता है ऑल वैन बीइंग कार इज पॉसिबिलिटीज, अब देख लीजिए वैन और कार, वैन नीचे है कार ऊपर, यहां से यहां चल रहे हैं यानी कि ऑल को रिवर्स कर दिए, हमारा निकला था ना जी ऑल कार्स बीइंग वैन, तो हम इसको सीधा ना करके हम कह रहे हैं ऑल वैन बीइंग कार इज पॉसिबिलिटीज, ये 100% पॉसिबिलिटी का केस होगा, क्योंकि आपने रूल पढ़ा है कि ऑल वाले स्टेटमेंट में छात्रगण ऑल का और सम नॉट का रिवर्स निकलता है, देखिए ऑल का रिवर्स दिया हुआ था ये निकल गया। तो देखिए कितना आसान हो जाता है जब आप बेसिक कंसेप्ट ले लेते हैं चैप्टर का, कंसेप्ट आप अच्छे तरह से ले लेते हैं छात्रगण, तो हमेशा आपका एकदम से क्वेश्चन बनना निश्चित रूप से है। मैं कई बार आपको बता रहा हूं छात्रगण कि जब वैलिड कंक्लूजन निकले, जैसे देखिए 150 का रूल निकाले, सब वैलिड कंक्लूजन है, ये सब निकल रहा था, वो कभी भी आपका पॉसिबिलिटीज का पार्ट नहीं होता है। साथ ही साथ रूल्स भी याद रख लीजिएगा, कंक्लूजन जो कंफर्म कंक्लूजन होता है वो पॉसिबिलिटी का केस नहीं होता है, साथ ही साथ ऑल के केस में ऑल का ही निकलता है सम नॉट का, और सम ऑल का रिवर्स निकलता है और सम नॉट का रिवर्स निकलता है। उस रूल को भी फॉलो करते हुए बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता था। आइए अब आपको आगे की पर कई क्वेश्चन कराएंगे, 30-35 क्वेश्चन मेरे से आप कर लीजिए, कल की भी क्लास हम डाल देते हैं पॉसिबिलिटीज का, ताकि सिलॉग पर आप मास्टर बन जाइए और 5 में 5 नंबर आपके झोली में आ छात्रगण, इसी की मंगल कामना करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर आपको लेकर के चलते हैं छात्रगण, अगले क्वेश्चन पे हैं, सम ए आर बी ऑल बी आर सी सम डी आर बी, पहला काम एकदम कर लीजिएगा, सबको बैठा लीजिएगा, इसको 50-50 मिलेगा, ऑल को 150 मिलता है, यहाँ लिखे हुए भी हैं अगर भूल चुके हैं तो, सम को मिलता है 50-50, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, मर्ज पहले कर लीजिए, 50, 100, 150 ये दोनों मर्ज हो जाएगा, इसमें कोई कॉमन है, हाँ बी और बी कॉमन है, 100 और 50, 150 ये भी मर्ज हो जाएगा, यानी सभी मर्ज हो जाएगा आपस में, पहला दूसरा से मर्ज हो रहा है, दूसरा तीसरा से मर्ज हो जा रहा है, ठीक है ना। अब बोलिएगा नहीं सर बी तो यहाँ भी, इन दोनों को मर्ज करेंगे, नहीं यहाँ और यहाँ मर्ज हो गया, यानी कि पूरा का पूरा मर्ज हो जाएगा। सबसे पहले इसमें निकालिए, यहाँ बोल रहा है सी और यहाँ बोल रहा है ए, सी और क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है, सी और ए, तो देख लीजिए सी कहाँ है ए कहाँ है, सी 50 रुपया का है, ए भी 50 रुपया का, सी 50 का है, ए भी कितना का है, 50 का है, ये तो मेरा वैलिड कंक्लूजन है, वैलिड कंक्लूजन है नहीं है वैलिड कंक्लूजन, क्यों, क्योंकि सभी पॉजिटिव है और स्टेटमेंट मेरा कैसा है, नेगेटिव है, तो ये वैलिड हुआ, वैलिड नहीं ना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट से कैसा कथन निकलता है, पॉजिटिव, लेकिन यहां नेगेटिव निकला हुआ है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं छात्रगण, सी और ए को चलते हैं, तो सी और ए के रिस्पेक्ट में आप देखे हैं सम और ऑल का केस है, मेरा रिजल्ट क्या निकल रहा है, मेरा रिजल्ट निकलेगा सम ए, सम ए आर सी, सम ए आर सी, मेरा वैलिड कंक्लूजन क्या निकला देख लीजिए, सम ए आर सी, ये निकला कि नहीं वैलिड कंक्लूजन इन दोनों से, अरे बाबा 50, 100, 150 हुआ ना, तो 150 होने पर क्या होगा, यहां से यहां ऊपर जा सकेंगे ना, ये निकलेगा कि नहीं, सम ए आर सी, ए 50 का है सी 50 का, आराम से निकल जाएगा सम ए आर सी, ये वैलिड निकला मेरा। अब हम क्या पढ़े हैं वैलिड कंक्लूजन में, हम क्या पढ़े हैं कि सम का कौन सा केस निकलता है, सम में ऑल वाला का और सम नॉट का, सीधा भी और रिवर्स भी। अब देख लेते हैं, ये कह रहा है सम सी नॉट बीइंग ए इज पॉसिबिलिटीज, 100% निकल गया, क्योंकि ये सम नॉट का, सम वाला केस से सम नॉट का रिवर्स निकलता है, रिवर्स निकल गया, सम सी नॉट बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी, रिवर्स निकल गया।
तो पहले निकाल लीजिए, पहले वैलिड क्या निकल रहा है वो निकाल लीजिए। और ये कौन सा केस बना, सम का, सम का आपको पीछे क्लास में लिखा चुके हैं, पीछे जस्ट अभी लिखा है कि इसका केस क्या बनेगा, और उस केस को आप रिवर्ट कर दीजिए। सम ए और सी निकाल चुके थे, अभी निकाले सम से। आपने पढ़ा कि ऑल का और सम का सर सीधा भी बनता है और रिवर्स भी बनता है, तो देखिए ये रिवर्स बना हुआ था सम नॉट का, इसलिए पहला केस हो गया। फिर देखेंगे बी और डी, अब ये वाला पहला हो गया। अब बी और डी देखेंगे, बी यहां पर है और डी भी यहां पर है, ठीक है ना, बी यहां पर है और डी भी यहां पर है, वेरी गुड। तो ये कह रहा है, यहां ई कर लीजिए, ये कह रहा है बी और डी, तो बी से डी तो जा ही सकते हैं, सम बी आर डी एकदम होगा, सम बी आर डी, सम बी बींग डी होगा ना, सम बी आर डी, तो ये तो वैलिड निकल गया, ये तो वैलिड निकल गया, सम बी आर डी, ये तो वैलिड कंक्लूजन है। हमने पहले ही कहा है कि वैलिड कंक्लूजन कभी भी पॉसिबिलिटीज का केस नहीं होता है। सी और डी में चले जाएंगे, यहां सी है यहां डी है, इन दोनों मर्ज हुआ था आराम से, ये भी निकलेगा ऑल सी आर डी, ये निकला मेरा ऑल सी आर डी, निकल गया सी और डी। अब उसके बाद और देख लीजिए, यहां से अगर चलेंगे तो और भी क्या निकलेगा, ऑल सी आर डी तो ये निकल गया, सी और डी तो निकल गया, ऑल का केस रहे या सम का केस रहे दोनों केस यहाँ पर निकलेगा, क्योंकि इसका मान 50 है, इसका 50 है, सी का 50 है, सी का 50 है, डी का मेरा कितना है 50 है, डी का भी 50 है, यानी ये भी निकलेगा, अर्थात ये भी वैलिड कंक्लूजन है, अर्थात वैलिड कंक्लूजन कभी भी पॉसिबिलिटीज का केस नहीं होता है। तो छात्रगण आप इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि दिए गए स्टेटमेंट से कंक्लूजन नंबर 1 ही केवल पॉसिबल होगा। सिंपल मैं आपसे बात कर रहा हूं छात्रगण, जो भी आपका स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है उस स्टेटमेंट से कौन सा वैलिड कंक्लूजन निकाल रहा है उसको पहले निकाल लीजिए मर्ज के हिसाब से, जो पहले आप पढ़ते हुए आए हैं, उसके बाद उसको रिवर्स, जो आपको फॉर्मूला पूरा पढ़ाए हुए हैं कि फलाना से क्या निकलता है, फलाना से क्या निकलता है, किससे रिवर्स निकलता है, किससे सीधा निकलता है, किससे हॉल का निकलता है, किससे सम नॉट का निकलता है, उसके आधार पर सेटिंग कर दीजिए, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके 100% सही हो जाएंगे छात्रगण। उम्मीद करते हैं छात्रगण कि सिलोगिज्म की इस पॉसिबिलिटीज के केस को आपने बहुत अच्छा से समझने का प्रयास किया होगा। कल की क्लास में हमारी शानदार मुलाकात होगी, जहां कई सारे एग्जाम्पल हम आपको लेकर के आएंगे और ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे। आज इन्हीं एग्जांपल के साथ आपको यहां से मैं विदाई ले रहा हूं, यह कहते हुए छात्रगण कि वैलिड कंक्लूजन कभी भी पॉसिबिलिटीज का केस नहीं होगा। देख लीजिए आपने, हमने वैलिड कंक्लूजन निकाला सम ए आर सी, ठीक है, यह वैलिड कंक्लूजन था। सम वाले केस में रिजल्ट क्या आता है, सर इसको रिवर्स कर दीजिए या सीधा कर दीजिए, सीधा तो था ही नहीं सम वाला का केस में, सम वाला केस में ऑल और सम नॉट का रिवर्स निकलता है, तो ऑल का केस था ही नहीं, सम नॉट का रिवर्स दिया हुआ, तो सम सी नॉट बीइंग ए इज पॉसिबिलिटीज, तो ये निकल गया। उम्मीद करते हैं छात्रगण कि बहुत ही उम्दे तरीके से, मैं दावा करता हूं कि पूरे भारतवर्ष में सिलोगिज्म का इससे आसान रूल नहीं पढ़ाया जा सकता है, नहीं हो सकता है, पढ़ाया जा सकता है, और भी कोई टीचर पढ़ा सकता है, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन हाँ पूरे भारतवर्ष में इससे अच्छे रूल का खोज कर पाना मुझे थोड़ी मुश्किल लगती है। बहुत आसान है, मतलब आपको पेन पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, और 5 में 5 नंबर आपके पॉकेट में जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं सिलोगिज्म पर जबरदस्त मेहनत करते हुए इस चैप्टर को आप अपने कब्जे में रखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, सब बखैर, बाय बाय।